नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं द खबरदार न्यूज। बिहार में भीषण बाढ़ से कराह रही गांव की आबादी, राहत व बचाव कार्य नदारद। कादराबाद पुल के ऊपर से गुजर रहा बाढ़ का पानी, बलान नदी में भयंकर बाढ़ के कारण कादराबाद पुल के ऊपर से होकर पानी गुजर रहा है। वहीं निचले इलाकों के घरों में भी पानी प्रवेश कर गया है। इसी क्रम में बाढ़ की विभीषिता झेल रहे बाढ़ पीड़ितों का हाल चाल जानने पूर्व विधायक अवधेश कुमार राय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चिरंजीवीपुर, राजापुर, बछवाड़ा, रुद्रौली व कादराबाद पंचायत का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बछवाड़ा, मंसूर चक व भदवानपुर प्रखंड के दर्जनों गांव भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। कादराबाद पंचायत के 100 से अधिक दलित व महादलित परिवारों के घरों में 2 फीट से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है, जबकि अन्य पंचायतों के निचले हिस्से में बड़े बसे सैकड़ों परिवार बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। बाढ़ पीड़ित सुरक्षित स्थानों पर शरण तो ले लिए हैं, मगर फिर भी पशुओं व लोगों के समक्ष भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके बावजूद अब तक प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी भी प्रकार का कोई राहत व बचाव कार्य नहीं किया है और ना ही लोगों की सुध लेने के लिए वह अभी तक ग्राउंड में पहुंचे हैं। अधिकारी सिर्फ बयानबाजी करते हैं कि जिले के लोग खतरे के बाहर हैं, जबकि जमीनी हकीकत तो आम लोग भुगत रहे हैं। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के बीच पूर्व विधायक ने बाढ़ पीड़ितों के बीच भोजन सामग्री, चिकित्सा व्यवस्था, सिर छुपाने को पॉलिथीन समेत अन्य राहत एवं बचाव कार्य व सामग्री उपलब्ध कराने की मांग जिला प्रशासन से की है। वहीं कादराबाद पुल के ऊपर से होकर गुजर रहे बाढ़ के पानी व पुल के जर्जरता को देखते हुए वाहनों की आवाजाही बंद रखने की अपील लोगों से की गई है। मौके पर CPI के सहायक अंचल मंत्री प्यारे दास, अमीर हामजा, पूर्व मुखिया मन्नान अंसारी, केसर रेहान, मोहम्मद शमसाद व मोहम्मद अफरोज आदि उपस्थित रहे। इससे ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं बिहार से हमारे रिपोर्टर राकेश यादव की यह रिपोर्ट। धन्यवाद।